हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल फ्लुएंट एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। आज पुनः हम आप लोगों के लिए क्लास 8 मैथमेटिक्स आर्यश अग्रवाल यूनिट है 9B परसेंटेज सॉल्व करेंगे। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है एक्सरसाइज 9B। पहला प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 3/5 = y। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कहता है। 3/5 × 100 देखिए फ्रैक्शन में दिया गया है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कहता है। 100 से गुना करके परसेंटेज लगा देते हैं, ये हो जाता है 20 बार में कैंसिल हुआ 60%। इस प्रकार से पहला का ऑप्शन आ जाता है ऑप्शन नंबर डी। दूसरा नंबर प्रश्न है 0.8 व्हेन एक्सप्रेस्ड एज ए डेसिमल। 0.8% दिया हुआ है, इसको दशमलव में कन्वर्ट करने के लिए कहता है। क्या करते हैं, 0.8/100 और इस दशमलव को रहने देते हैं, अरे इसको कैंसिल करते हैं, क्या करते हैं, काटते हैं इसको 4 से हो गया 25, 4 से हो गया 2.2/25। अब इस प्रकार से हो जाएगा 0.25 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 0.2/0 आया, दशमलव दिए तो 1 0 आया, फिर 1 0 देंगे 25 × 8 = 200, ये हो गया 0.08% यानी कि दशमलव जो है इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। 0.8% है, इस प्रकार से कर सकते हैं 0.8/100। तो इसमें देखिए तो दशमलव के बाद एक अंक है, तो 1 0 खत्म, 1 0 बचा, ये हो जाएगा 0.08। इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया 0.08, 2 का A नंबर। नेक्स्ट है तीसरा, ये देखते हैं 6:5 दिया हुआ है, इसको कह रहा है एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज। इसको भी हम वही करते हैं 6/5 × 100, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 120। 6/5 जो है ये हो गया 120%, ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से है, कहता 5% ऑफ नंबर इज 9, कहता है कि नंबर, यहाँ नंबर एक्स मान लेंगे का 5% कहता है 9, वो कौन संख्या है जिसका 5% जो है 9 है, ये हो जाएगा x/5/100 = 9, ये 5 से कट जाएगा 20, x = 20/9, ये हो जाएगा 180, ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इस प्रकार से, फोर्थ क्वेश्चन है x/5% 9। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन कहता है what% of 90 is 120। तो 120 का x% 90 हो जाएगा 120 × x/100 = 90। 0 0 कैंसिल हुआ, 2 से कटाएंगे 2 5 2 6, ये हो गया 6x/5 = 90। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 6x = 5 × 90, x = 5×90/6, ये हो जाएगा 15, x = 75, वो संख्या 75 है, 75% हो गया, 75% ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर सिक्स है what% of 10 kg is 250 g। देखिए 10 किलोग्राम है यहाँ, तो 10 किलोग्राम को हम यदि ग्राम में बदलते हैं, 10 × 1000 g, ये हो जाएगा 10000 g। 10000 g का कहता है कि 250 g कितना परसेंट है, तो लिखते हैं
एक्स परसेंट ऑफ 10,000 ग्राम इक्वल टू 250 ग्राम हो जाएगा एक्स बाय 100 गुना 10,000 इक्वल टू 250 जीरो जीरो कैंसिल हो गया, ये हो गया 100 एक्स बराबर 250 एक्स इक्वल टू 250 बाय 100 जीरो जीरो कैंसिल, पाँच से काटेंगे, पाँच दूनी पाँच पच्चीस, ये हो गया 5/2, ये हो गया 2.5% 2.5% 6 नंबर का 2.5 ऑप्शन नंबर डी, यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट सवाल हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 7 है 40% ऑफ व्हाट इक्वल टू 240, 40% ऑफ व्हाट इक्वल टू 240, इसको क्या करते हैं 40/100 इंटू व्हाट इक्वल टू 240, तो जीरो जीरो कैंसिल, 2 × 5 = 2 टू इंटू व्हाट बाय 5 = 240, 5 से इधर गुना हो जाएगा, 2 × व्हाट = 240 × 5, व्हाट इक्वल टू हो जाएगा 240 × 5 बार ये 2 से भाग हो जाएगा, ये हो जाएगा 120, व्हाट इक्वल टू हो जाएगा 12×5 = 60 600 होगा वो संख्या जिसका 40% जो है वो 240 है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एट है इस प्रकार से, व्हाट परसेंट, एट नंबर है, व्हाट परसेंट ऑफ 400 इक्वल टू 60। देखिए क्या करते हैं, व्हाट बाय ये व्हाट मार्क्स है बाय 100 × 400, 200 कैंसिल, व्हाट गुना 4 इक्वल टू 60, व्हाट इक्वल टू 60 × 4 ये हो जाएगा, ओह सॉरी 60/4 ये हो जाएगा 15%, ये हो गया व्हाट इक्वल टू 15%। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन है 180% ऑफ व्हाट, 80% ऑफ व्हाट भाग 2 इक्वल टू 504। आइए इसको हल करते हैं, 180 जो है कितना का 180% में 2 से भागा दिया जाए, ये हो जाएगा 504। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 180/100 × व्हाट भागा 2 बराबर 504, ये जो कैंसिल, 2 × 5 = 2 और देखिए ये हो जाएगा 9 × व्हाट / 5, ये भाग में है, ये भी नीचे आ जाएगा बटे में, भाग में हो जाएगा बराबर 504। आइए अब इसको क्या करते हैं, हम इसको लिखते हैं 9 × व्हाट = 504 × 5 × 10, व्हाट इक्वल टू 504 × 10/9, 9 से कट जाएगा, 9 × 5 = 45, 5 × 5 = 54, 9 × 6 = 54, व्हाट इक्वल टू हो जाएगा 56/560, ये हो गया आंसर। देख लेते हैं 9 का ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन हो जाएगा 560, ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर टेन है 20% ऑफ 800, ये हो जाएगा 20/100 × 800, 200 कैंसिल, ये हो जाएगा 160, लेकिन 800 का 20% 160 हो गया, ये 10 का हो गया ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार से है, कहता इन एग्जामिनेशन नितिन गेट्स 98 मार्क्स,
दिस अमाउंट ऑफ 56% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि 56% मार्क्स लाया और वो 98 मार्क्स हुआ, तो टोटल मार्क्स कितना है? तो टोटल मार्क्स लिख लेते हैं, लेट टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स बी एक्स, सो 56% ऑफ एक्स इक्वल टू 98। प्रश्न है किसी एग्जामिनेशन में नितिन नाम का एक लड़का है जो 56% मार्क्स स्कोर किया है और इस प्रकार से उसको 98 मार्क्स आया, तो फुल परसेंटेज कितना है, टोटल मार्क्स कितना है, फुल मार्क्स कितना निकालना है, तो 56/100 गुना एक्स बराबर 98, क्या करते हैं 56x बराबर 98 गुना इस 100 से उधर गुना कर देते हैं, x इक्वल टू लिखते हैं 98 गुना 100 बाय 56, इसको काटते हैं, देखिए 7 से काटते हैं, 7 8 56, 7 64 98, 2 से काटते हैं, 2 4 8, 2 7, 4 25, 25 7 ये हो गया 175, 175 था फुल मार्क्स। इस प्रकार से 11 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ये ऑप्शन नंबर सी हो गया। देखिए नेक्स्ट एग्जाम है, नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, इस प्रकार से है, कहता है नंबर ऑफ फर्स्ट इंक्रीज बाय 10% देन रिड्यूस्ड बाय 10% द नंबर, कहता जिस तरह पहले 10% बढ़ा दिया जा गया है और फिर 10% उसको डिक्रीज कर दिया गया है। देखिए एक्स है संख्या, एक्स प्लस एक्स का 10% हो जाएगा एक्स प्लस एक्स गुना 10/100, ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स बाय 10, डैट मीन्स 10x + x/10, ये हो गया 11x/10, 10x से जुट गया। पहले मान लिया कि मेरा संख्या x है, पहले 10% बढ़ा दिया गया तो बढ़ के हो गया इतना, फिर इसको 10% घटा दिया गया है, तो ये हो गया 11x/10 माइनस 11x/10 का 10%, ये हो जाएगा 11x/10 माइनस 11x/10 गुना 10/100, ये कैंसिल हो गया, एलसीएम हो जाएगा ये 100 और 10 का, 100 10/10, ये 10 × 11 110x घटा तो भाग देंगे, यहाँ हो जाएगा 11x, ये हो जाएगा 99x/100। अब क्या करते हैं, प्रारंभ में संख्या कितना था x, यहाँ हो गया 99/x, 99x/100, इसको क्या करते हैं, आइए देखते हैं इसे, प्रारंभ में संख्या था मेरा x, पहले 10% बढ़ा दिए तो इतना हो गया, फिर उस संख्या में 10% माइनस कर दिए उस संख्या का, हो गया इतना, देखिए x माइनस 99x/10 ये हो जाएगा 100 है यहाँ, ये हो जाएगा 100x - 99x/100, ये हो गया x/100, तो संख्या में क्या हुआ, ये इतना का जो है ना कमी हो गया, तो परसेंटेज कमी जब निकालेंगे, परसेंटेज डिक्रीज तो हो जाएगा x/100 नीचे x हो जाएगा, ये 100 कट गया, x कट गया, 1 हो गया, 1% डिक्रीज कर गया, 1% क्या हो जाएगा डिक्रीज, क्वेश्चन नंबर 12 डिक्रीज बाय 1%, ऑप्शन नंबर डी 1% डिक्रीज करेगा, कहने का मतलब हुआ प्रश्न था किसी संख्या को पहले 10% बढ़ा दिया जाता है फिर बढ़े हुए संख्या को 10% घटा दिया जाता है, तो फाइनल क्या होगा, फाइनल होगा 1% डिक्रीज, फाइनल क्या हो जाएगा 1% डिक्रीज। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, है इस प्रकार से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कहता है पीरियड ऑफ 4 आवर्स 30 मिनट इज व्हाट परसेंट ऑफ ए डे, 4 आवर्स 30 मिनट, एक डे का
कौन सा परसेंटेज है, देखिए वन डे ये हो गया 24 आवर्स, वन डे इक्वल टू 24 आवर्स कहता है कि कितना परसेंटेज है, 4.5 आवर्स 30 मिनट ये कितना परसेंट है, तो 4 आवर 30 मिनट को लिखते हैं 30/60 ये हो जाएगा हाफ, कुल मिला के हो गया 4.5 आवर कितना हो जाएगा 4.5 आवर, इसको 9/2 आवर कहता है कि इस 24 घंटा यानी वन डे का ये कितना परसेंटेज है, तो एक्स परसेंटेज है एक्स परसेंट ऑफ 24 = 9/2 ये हो जाएगा एक्स बाय 100 × 24 चार से करते हैं 4 से 25 4 से 6 = 9/2 इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं 6x/25 = 9/2 ये हो जाएगा 6x/2 = 25 × 9x = 25 × 9/6 × 2 तो 3 से कटेगा 3 × 3 = 75/4 चार भगा देंगे इसमें 4 × 5 = 35 4×8 = 32 3×9 = 30 4×7 = 28 4×5 = 20 यानी कि इतना परसेंट हो गया 18.75 ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम 14 का। 14 नंबर सवाल इस प्रकार से है, मोस्ट इम्पोर्टेंट देखिए प्रश्न का रहा प्रश्न तो हम एक बार फिर बोल दे रहे हैं, कहता है इन एग्जामिनेशन 60% ऑफ द टोटल एग्जामिनेशन पास्ट, कहता है कि 60% स्टूडेंट जो है एग्जामिनी वो पास हो गया, इफ द नंबर ऑफ फेल्योर इज 420 द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनी इज, इन एग्जामिनेशन 65% ऑफ टोटल एग्जामिनी पास, 65% ये पास हुआ, क्या हुआ पास, और कहता है इफ द नंबर ऑफ फेल्योर इज 420, यहाँ फेल्योर स्टूडेंट की संख्या दिया गया है, फेल्योर हो गया 420, तो कहता है टोटल एग्जामिनी कितना था, नंबर ऑफ टोटल एग्जामिनी व्हाट, निकालने के लिए कह रहा है नंबर ऑफ टोटल एग्जामिनी व्हाट कितना है, तो देखिए क्या करते हैं 100 - 65% ये हो गया 35%, जब इतना पास किया इतना क्या हो गया पास, ये कितना हो गया ये हो गया फेल, ये क्या हो गया फेल, यानी कि 35% फेल किया और उसकी संख्या कितनी है 420, तो निकाल लेंगे हम क्या करते हैं, आइए ध्यान से इसको देखते हैं क्या करते हैं 35% तो टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनी मान लेते हैं लेट टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनी एग्जामिनी बी एक्स, इसलिए हम लिखते हैं 35% ऑफ एक्स 35% ऑफ एक्स इक्वल टू 420 हो जाएगा 35/100 × x = 420 5 से काट देते हैं 5 × 7 = 20 7x = 20 × 420 20 × 420 एक्स बराबर हो जाएगा 20 × 420 / 7 7 से कटेगा 7×6 = 42 60 × 20 1200 स्टूडेंट टोटल था, इतना स्टूडेंट टोटल था 1200, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 15 यह है प्रश्न है ये नंबर एक्सी 20% ऑफ इटसेल्फ बाय 40 नंबर इज, तथा किसी संख्या का 20% किसी संख्या का 20% ज़्यादा है
ऑफ इटसेल्फ बाय 40। तो नंबर क्या है, एक्स प्लस एक्स का 20% आता है इसका, जो है ना इस संख्या से ये जो है ना 20% ज़्यादा है, संख्या का 20% जो है ना मानते संख्या है, और वो संख्या है एक्स का, यानी कि संख्या का 20% एक्सीड, ये नंबर एक्सीड 20% ऑफ इटसेल्फ बाय 40। नंबर क्या है, नंबर क्या है, तो आइए देखते हैं इसको। एक्स माइनस इसको इस प्रकार से लिखते हैं, एक्स प्लस एक्स का 40% माइनस एक्स इक्वल टू 40, यानी कि संख्या का जो है 20% उस संख्या से 40 ज़्यादा है, कहने का मतलब दोनों का अंतर हो जाएगा 40। इस प्रकार से हम इसको हल करते हैं, ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स गुना 20 बाय 100 माइनस एक्स इक्वल टू 40, ये हो जाएगा 20 25, ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे 5x प्लस एक्स बाय 5 माइनस एक्स इक्वल टू 40, ये हो जाएगा कितना 5x प्लस एक्स माइनस 5x बाय 5 इक्वल टू 40, 5x कैंसिल, एक्स बाय 5 इक्वल टू 40, इस प्रकार से x बराबर 200 हो गया, एक्स बराबर कितना हो गया 200। ये नंबर एक्सीड 20% ऑफ इटसेल्फ बाय 40, द नंबर इज। प्रश्न को एक बार फिर से देखा जाए, प्रश्न इस प्रकार से है, जिनका संख्या है, संख्या का 20% 40 ज़्यादा है, तो हो जाएगा वो संख्या का 20% ज़्यादा, इसमें जोड़ करके संख्या घटा दियो, ये हो जाएगा 20 25 100, 5x प्लस एक्स माइनस एक्स 40, यहाँ 5x 6x, ये हो जाएगा 5x प्लस एक्स माइनस 5x। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल है 0.05 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20, यानी कहता है नंबर डिक्रीज बाय 27% गिव्स, नंबर 27%। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, नंबर एक्स है, एक्स माइनस एक्स का कहता है 27% माइनस कर दिया जाता है तो संख्या हो जाता है 87। आइए देखते हैं इसको, ये हो गया एक्स माइनस एक्स का 27 55 बाय 2 परसेंटेज का हो गया 100, 5 से काटेंगे 11, 5 से 20 बराबर 87, एक्स माइनस 11 एक्स बाय 40 इक्वल टू 87, 40x माइनस 11x बाय 40 इक्वल टू 87। एलसीएम ले लिए यहाँ 1 दे करके, 10 में से गया 9, 3 में से गया 2, 29x बाय 40 इक्वल टू 87, 29x इक्वल टू 87 गुना 40, एक्स इक्वल टू 87 गुना 40 बाय 29 दिया, एक्स बराबर हो जाएगा 120। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन हो जाएगा सी, ये हो गया सी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम 17 का जो प्रश्न है इस प्रकार से, 0.05 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20, 17 का है व्हाट परसेंट, तो एक्स परसेंट ऑफ ट्वेंटी बराबर 0.05, कहता है कि संख्या का 20% जो है 0.05 है, 0.05 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20, इसको हल करेंगे एक्स बटे 100 गुना 20 बराबर 0.05, इसको सीधे इस प्रकार से कर सकते हैं, ये हो जाएगा दशमलव का 1, 2 अंक है तो 20, 100 यहाँ से काट देते हैं, ये हो जाएगा 20x बराबर 5, एक्स बराबर 5 बाय 20, जब यह 1/4, एक्स 1/4 का 20% है, ये 1/4 को भागा देंगे
0.0 देने तो हो जाएगा 10, 4 दुनिया 8, 6 पीछे 20, 0.25%, 0.25% सी हो गया ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी 17 का हो गया ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन थर्ड ऑफ इतना इज व्हाट परसेंट ऑफ 134। 18 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, मैं पूरा प्रश्न लिख दे रहा हूँ। वन थर्ड ऑफ 1206 इज व्हाट परसेंट ऑफ 134। देखिए कहता है कि कितना परसेंट है, तो लेते हैं x परसेंट ऑफ इसका वन थर्ड 1206 इक्वल टू कितना, वन थर्ड ऑफ इतना इज व्हाट परसेंट ऑफ 134। सॉरी देखिए व्हाट परसेंट ऑफ 134, एक्स परसेंट ऑफ 134 बराबर 1206 गुना 1/3, ये हो जाएगा। आइए देखते हैं इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये एक्स गुना 134 बाय 100 इक्वल टू ये हो जाएगा 3×12=0402 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 402 हो जाएगा, एक्स बराबर 402 गुना 100 बाय 134 ये हो जाएगा 134। 134 को गुना कितने हैं, 3 × 3/2 = 1 = 40। इससे जो है ना 3 बार में कट गया, एक्स बराबर हो जाएगा 300%। देखिए प्रश्न था 1/3 × 1206 इज व्हाट परसेंट ऑफ 134, 134 का कितना परसेंट है 1206 का 1/3, ये 300% है, ऑप्शन नंबर डी। नंबर डी 18 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट ऑफ 2/7 इज व्हाट परसेंट ऑफ, क्वेश्चन नंबर देखिए 19। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट परसेंट ऑफ 2/7 इज 1/35, व्हाट परसेंट ऑफ इतना इज इतना तो हो जाएगा एक्स परसेंट ऑफ 2/7 गुना ए, 2/7 इक्वल टू 1/35, एक्स बाय 100 गुना 2/7 इक्वल टू 1/35, ये हो जाएगा 2 से कट जाएगा 50, 7 से कट जाएगा, इस तरह से 5 बार में ऊपर हो गया 1, एक्स बाय 50 इक्वल टू 1/5, ये 5 से भी कट रहा है 10, कोना कोनी काट दिए, हो जाएगा एक्स गुना 1 इक्वल टू 10। कहने का मतलब 10% जो है 2/7 का वो 1/35 है, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से ये टेक्स्ट पेपर ही था, 9B इंड हुआ। ठीक, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, पुनः हम इसका अगला टेस्ट पेपर लाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।